कर्नाटक का मतदाता देश के एजेंडे पर मतदान करता है। देश में जिस तरीके से विचारधाराओं का ध्रुवीकरण हुआ और एक अरसे तक कांग्रेस के संरक्षण में और छत्र छाया में पीएफआई जैसे संगठन फैले फूले, जिन्होंने इस देश में अराजकता को जन्म दिया और गाहे बगाहे कर्नाटक भी अछूता नहीं रहा। पीएफआई की प्रतिछाया एसडीपीआई, उसका जिस तरीके का वहाँ आतंक रहा और जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने दम भरा, आस्था पर चोट की कि हम यदि सत्ता में आए तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे। कर्नाटक के लोग बजरंग बली में आस्था रखते हैं। ये चुनाव पीएफआई की इस अराजकता के खिलाफ है। ये चुनाव बजरंग बली की आस्था के प्रति समर्थन का चुनाव है। ये चुनाव डबल इंजन की सरकार का चुनाव है, क्योंकि मोदी सरकार की जो बुनियादी योजनाएं थी जिससे कर्नाटक के आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति को, सामान्य मानवी को उन योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला है, और इसलिए डबल इंजन की सरकार के प्रति कर्नाटक की जनता पूरी तरीके से आस्थावान है, अपना समर्थन जाहिर कर चुकी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के रोड शो में 5-5 लाख लोगों का आगमन होता था, वो अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि कांग्रेस के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम नेता वहाँ प्रचार कर रहे थे। लेकिन चेहरा, चरित्र और व्यक्तित्व और भाषा और विजन, दृष्टि, ये मोदी जी की कर्नाटक की जनता ने पसंद करी है। तो मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से वहाँ प्रचार अभी समाप्त होगा और उसके साथ ही कर्नाटक की जनता ये तय कर चुकी है कि वहाँ उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इससे पहले जब आए थे तब ये भरोसा दिला के गए थे, क्योंकि 10 बजे के बाद वहाँ माइक बंद हो गया था और वो वहाँ लोगों से संवाद नहीं कर पाए थे। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दूसरे कार्यक्रम भी हैं, कुछ राजकीय योजनाओं का शुभारंभ है, लेकिन खास तौर पर मारवाड़ की जनता को संबोधित करने के लिए 10 तारीख को आएंगे।